हेलो एंड वेलकम, मैं ईशा नेगी और आप देख रहे हैं कमाल जिंदगी। एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता जो मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन धारावाहिकों और बॉलीवुड फिल्मों में काम करते हैं, उन्होंने टेलीविजन धारावाहिक कुमकुम भाग्य से अभिषेक प्रेम मेहरा की भूमिका से बहुत प्रसिद्धि और लोकप्रियता मिली। इसके साथ ही अपने अभिनय कौशल से सभी को प्रभावित कर रहे हैं और कई सालों से लागी तुझसे लगन, कुमकुम भाग्य, भाग्य लक्ष्मी सहित शो का हिस्सा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाबिर अहलूवालिया की। एक टाइम ऐसा था जब हर टीवी शो पर मुलाकात होती थी हमसे, नेगेटिव किरदार से इन्हें पॉपुलैरिटी मिली और आज भी ये सभी के दिलों को जीत रहे हैं। टॉल, डार्क एंड हैंडसम शाबिर अहलूवालिया, इनका जन्म 10 अगस्त 1979 में मुंबई में हुआ और इनकी स्कूलिंग सेंट जेवियर हाई स्कूल से हुई, जिसके बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए यूएस और वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में ग्रेजुएशन किया। सभी को अक्सर ऑन स्क्रीन गिटार बजाते हुए तो देखा गया है, लेकिन शाबिर असल लाइफ में भी एक रॉक स्टार है। उन्हें बहुत अच्छा गिटार बजाना आता है। इन्होंने बचपन में ही गिटार बजाने की ट्रेनिंग ली और अब वो गिटार बजाने में मास्टर हो गए हैं। शाबिर को बचपन से ही गिटार के साथ ही खेलकूद का भी बड़ा शौक था। एक बेहतरीन क्रिकेटर और फुटबॉलर भी हैं शाबिर। शाबिर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 20 साल की उम्र में ही की। उन्होंने अपना पहला ऑडिशन बालाजी टेलीफिल्म के लिए दिया। उस वक्त बिल्कुल भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो लाइफ में आगे क्या करेंगे। शाबिर को ऑडिशन देने में काफी मुश्किलें हुई क्योंकि उन्हें अपनी लाइंस याद नहीं हो रही थी। उसके बाद शाबिर को ऐसा लगा कि उनका सिलेक्शन होना नामुमकिन है, लेकिन मजेदार बात तो ये रही कि उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन्हें मेन लीड के लिए नहीं चुना गया बल्कि उन्हें नेगेटिव रोल के लिए सिलेक्ट किया गया। साल 1999 में शाबिर ने अपना डेब्यू हिप हिप हुर्रे शो से किया। इस मेन रोल को बहुत पसंद किया गया। इसके चलते एक बार फिर से साल 2002 में शाबिर को टीवी सीरीज क्योंकि सास भी कभी बहू थी में रोल में नजर आए। साल 2003 में इन्होंने कहीं तो होगा सीरियल में काम किया, इसमें भी इन्हें नेगेटिव रोल ही मिला। अब तक शाबिर नेगेटिव रोल करने में एक्सपर्ट हो गए थे। उस दौरान जितने भी सीरियल आए उन सब में वो नेगेटिव किरदार में नजर आए। इसके बाद शाबिर को नच बलिए सीजन 1 और सीजन 2 को होस्ट करते हुए देखा गया। कुछ टाइम टीवी से ब्रेक लेने के बाद साल 2010 में शाबिर अहलूवालिया ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 3 में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने ये शो जीता भी। साल 2011 से लेकर साल 2016 तक शाबिर को सेलिब्रिटी क्रिकेट के सभी सीजनों में देखा गया। उसी दौरान साल 2014 में उनके करियर का बेहतरीन रोल उन्हें मिला। कुमकुम भाग्य में वो मुख्य किरदार में नजर आए। इस शो को ऑडियंस का खूब प्यार मिला। शाबिर अहलूवालिया ने एक्टिंग के साथ साथ एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोली है अपने कुछ दोस्तों के साथ। उस कंपनी का नाम है फ्लाइंग टर्टल। तीनों ने मिलकर कुछ शो प्रोड्यूस भी किए हैं, जैसे कि गंगा की धीज, सावित्री, साथ ही बॉलीवुड की फिल्म जंजीर को भी प्रोड्यूस किया है। सीरियल के साथ साथ शाबिर ने दो फिल्मों में भी काम किया है। साल 2007 में आई शूट आउट एट लोखंडवाला और साल 2008 में मिशन इस्तांबुल। शाबिर को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए बहुत से अवार्ड्स मिले हैं। साल 2004 में इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल। साल 2005 में स्टार परिवार अवार्ड फॉर फेवरेट भाई। साल 2006 में बेस्ट एंकर फॉर नच बलिए और साल 2006 में स्टार परिवार अवार्ड। साल 2008 में जी गोल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल। और भी कई सारे अवार्ड मिले हैं। शाबिर अहलूवालिया ने साल 2011 में टेलीविजन एक्ट्रेस कांची कौल के साथ शादी की। शाबिर अक्सर ऐसा कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी जिंदगी में शादी के बाद सब कुछ अच्छा हुआ है और उनकी वाइफ उन्हें काफी सपोर्ट करती हैं। ऐसे ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।